हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं बालों के बारे में। दोस्तों, काले घने और लंबे बाल हर किसी की चाहत होते हैं। सिर्फ स्त्री नहीं, पुरुष भी यही इच्छा रखते हैं कि उनके बाल स्वस्थ रहें और ताउम्र सिर पर बने रहें। परंतु आजकल के इस तनावपूर्ण जिंदगी में असमय ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्राकृतिक उपायों की जिन्हें अपनाकर हम बालों को बिना हानि पहुंचाए काले घने और लंबे बना सकते हैं। तो दोस्तों, बालों की सेहत बनाने में सबसे पहला नाम आंवले का आता है। इसका इस्तेमाल करने से बालों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। 1 कप पानी में 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1/2 चम्मच नींबू मिला लीजिए। फिर इस मिश्रण को बालों में लगाइए। बालों को काला करने का यह एक अच्छा तरीका है। इस प्रयोग से बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने का सबसे अच्छा उपाय नारंगी का रस भी है। स्वस्थ और घने बाल पाने का यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आप नारंगी को छीलकर उसे मसल लीजिए, फिर उसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाइए तथा इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करके अपने बालों में लगाइए। नारंगी के रस में जब आप आंवला पाउडर डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। काले घने बाल पाने का ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, अब बात हम करेंगे गुड़हल के फूलों की। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन आदि बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फूल बालों की कई परेशानियों से निजात दिलाने में मदद करता है। गुड़हल के फूलों व पत्तियों का प्रयोग हेयर ट्रीटमेंट में किया जाता है। दोस्तों, 1 मुट्ठी गुड़हल की फूलों के लेकर 100 ml नारियल का या जैतून के तेल में उबालें, फिर ठंडा करके 1 बोतल में भरकर रख लें। इस तेल के नियमित प्रयोग से आपके बाल ऐसे खिलेंगे कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेहंदी के बारे में। आमतौर पर लोग मेहंदी का प्रयोग बालों को कलर करने के लिए करते हैं, पर मेहंदी एक औषधि भी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो हर तरह के संक्रमण से सिर तथा बालों की सुरक्षा करता है। ये आपके बालों के रूखे क्यूटिकल्स को भी नरम बनाती है। 4 पत्ती के पानी में 4 चम्मच मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर लेकर एक लोहे की कढ़ाई में घोलकर कुछ देर के लिए रख दें। फिर इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं। मेहंदी का प्रयोग हफ्ते में 1 बार अवश्य करें। अगला उपाय है मेथी दाना का। दोस्तों, मेथी दाना बहुत ही प्रभावशाली है। मेथी दाना में काफी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है जो गंजेपन को खत्म करने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम समय से पहले बालों को सफेद होने से बचाता है। वही लेसिथिन बालों के जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आप मेथी दाना को पानी में भिगो दें, फिर उन्हें बारीक पीस कर बालों की जड़ों में लगाएं, फिर धो डालें। या नारियल के तेल में मेथी दानों को उबालें और ठंडा होने पर तेल को छान कर 1 बोतल में रख लें। फिर रोजाना बालों की जड़ों में इस तेल से मालिश करें। इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना बंद होता है और नए बाल भी उगने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से घरेलू उपाय। इन्हें अपनाकर आप अपने बालों को सुंदर बना सकते हैं। एक बात और, लगातार तनाव लेने और नींद पूरी ना होने के कारण भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए तनाव को दूर भगाएं और भरपूर नींद लें। दोस्तों, हमारी बस यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।